Hey guys, welcome back again. So, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसेंचर की सैलरी के बारे में. एज अ फ्रेशर आप एसेंचर में ज्वाइन करते हो या फिर आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर के बाद में आप लोगों को कितना इंक्रीमेंट होता है, क्या हाइक होता है, आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलता है, सब चीज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं. एज अ प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सैलरी कितनी आप लोगों को मिलती है. तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा. और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन. तो चलो बात करते हैं अपने एसेंचर की सैलरी के बारे में. बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट दे देती हूँ. अगर आप लोगों को 5 to 40 lakh पर तक का पैकेज चाहिए होगा या फिर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है, वो भी बिना किसी फीस के, यहाँ पे गारंटी CTC के साथ में आप लोगों को प्लेस किया जाएगा टॉप MNC कंपनी में. तो उसके लिए आप लोगों को न्यूटन स्कूल की वेबसाइट चेकआउट करनी पड़ेगी. लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी. आप लोग चेक वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो. जरूर से जरूर जाके चेकआउट कीजिए और अप्लाई कीजिए. अगर आप लोगों को सही में फुल स्टैक डेवलपर बनना है या फिर आप लोगों को सही में टॉप MNC कंपनी में जॉब करनी होगी तो चलो अब चलते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ, जो की है एसेंचर की सैलरी के बारे में डिस्कशन करते हैं अपन. तो एज अ फ्रेशर आप जब एसेंचर में ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे वो आपको हायर करती है CTC के, जो कि है 4.5 lakh पर NM तक की, जो कि अभी भी जो हायरिंग हो रही है वो भी 4.5 lakh पर NM तक की हो रही है. साथ में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बेनिफिट्स मिलते हैं. यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, उसके बाद में वेरिएबल पे मिलता है, उसके बाद में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में वो आप लोगों को कुछ पे करते हैं. तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो आपकी 3.75 lakh पर NM तक की होती है और मंथली यहाँ पे आप लोगों को 28,000 मिलते हैं. अब उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है. ज्वाइनिंग बोनस आप लोगों को यहाँ पे 25,000 तक का मिलता है. उसके बाद में वेरिएबल पे रहता है, जो कि आपके परफॉर्मेंस और आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है. उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग का कुछ यहाँ पे बोनस मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, जो कि आपकी ट्रेनिंग जनरल रहती है वो आपकी 45 days की रहती है और 45 days की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को वो स्टाइपन देते हैं 10,000 का, वो भी आपके सैलरी में ही इंक्लूड करते हैं. उसके बाद में अब मैं आपको प्रूफ के साथ में बताती हूँ यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पे क्या आपके सैलरी में डिडक्शन होता है. तो चलो यहाँ पे अपन देखते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेसिक आप लोगों को मिलता है 15,000. उसके बाद में जो आपका हाउस रेंट अलाउंसेस रहता है वो आपका 7,500 रहता है. यहाँ पे एडोब अलाउंसेस रहता है 4,283 rupees. उसके बाद में मिसलेलियस अलाउंसेस यहाँ पे रहता है 3,333 rupees. ओके, तो यहाँ पे आपका जो ग्रॉस अर्निंग रहता है वो आपका टोटल रहता है 30,116 rupees. उसके बाद में यहाँ का जो डिडक्शन होता है वो अपन देख लेते हैं. यहाँ पे आपका डिडक्शन होता है PF में, मतलब प्रोविडेंट फंड में, जो कि आपका 1,800 होता है. उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है, जो कि आपका 200 rupees कट होता है. तो यहाँ पे आपका जो ग्रॉस डिडक्शन होता है वो आपका 2,000 rupees का होता है और आपको जो इन हैंड सैलरी आती है वो आती है 28,116 rupees, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको मंथली यहाँ पे 28,000 मिलते हैं नियरली अबाउट. उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मिलता है वेरिएबल पे, जो कि आपका काफ़ी मैटर करता है आपके परफॉर्मेंस पे, आपके मैनेजर पे. अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है तो आप लोगों को ज़्यादा वेरिएबल पे मिलेगा. आपका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपका मैनेजर आपको काफ़ी अच्छा पे करेगा. तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली वो लोग 8.5% तक का मिल ही जाता है. ये सब चीज़ आप लोगों की इंक्लूड होती है आप लोगों के CTC में, जो कि पता नहीं एसेंचर क्यों ऐसे इंक्लूड करती है आपके CTC में, वो पता नहीं है उनकी कोई पॉलिसी होंगी मे बी. तो ये सब चीज़ आप लोगों का इंक्लूड होती है CTC में. तो यहाँ पे आपको जो भी बोनस मिलता है वो भी आप लोगों का इसमें ही इंक्लूड होता है. अब उसके बाद में आप लोगों का जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आप लोगों का इंक्रीमेंट होता है, जो कि आप लोगों का नियर अबाउट 5 to 15% तक का इंक्रीमेंट होता है और नियरली अबाउट आपको लोगों को 33,000 आप लोगों के इन हैंड आती है. तो अब अपन प्रूफ के साथ में आप लोगों को बताती हूँ क्या आप लोगों का इसमें डिडक्शन होता है, क्या आप लोगों को ग्रॉस सैलरी मिलती है. ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे 15,315 rupees मिलते हैं. हाउस रेंट यहाँ पे आप लोगों को 7,656 rupees मिलती है. उसके बाद में एडवांस अलाउंसेस आपके रहते हैं 15,611. उसके बाद में आप लोगों को मिसलेलियस अलाउंसेस रहते हैं, जो कि सेम रहते हैं 3,333 rupees. उसके बाद में आप लोगों को शिफ्ट अलाउंसेस रहते हैं यहाँ पे, जो आप लोगों को मिलती है 3,400.
तो यहाँ पे आप लोगों की 3 शिफ्ट में आप लोगों को काम करना पड़ता है, जो कि आपकी जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है उसके आप लोगों को नियर अबाउट 500 रुपीज मिलते हैं, आफ्टरनून के आपको 200 रुपीज मिलते हैं, और आपके जो नाइट शिफ्ट रहती है उसमें आप लोगों को 500 रुपीज मिलते हैं। उसके बाद में आपकी जो ग्रॉस सैलरी रहती है वो आप लोग की हो जाती है, ग्रॉस अर्निंग जो रहती है आप लोग की वो 45,315 रुपीज होती है। उसके बाद में आप डिडक्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या डिडक्शन होता है वो भी अपन चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो PF रहता है वो आपका कट होता है 1,838 रुपीज का। उसके बाद में आपका जो प्रोफेशनल टैक्स रहता है वो आपका कट होता है 200 रुपीज, सेम कट होता है। पे आप लोगों का INS प्रीमियम रहता है जो कि आप लोगों का 3,484 रुपीज रहता है। ग्रॉस यहाँ पे आप लोगों का डिडक्शन होता है वो होता है 5,522 रुपीज का। ओके, जो नेट पे आप लोगों को इन हैंड सैलरी आती है वो आप लोगों को 39,793 आती है। जो भी जिसकी मैंने सैलरी स्लिप ली हुई है उसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उसका इंक्रीमेंट काफी अच्छा हुआ है, तो इसलिए उसकी सैलरी 39,000 की है। अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को 33K तक का आप लोगों को सैलरी मिलती है आफ्टर 1 ईयर के बाद में। एक ही जैसे आप लोगों के 21 मंथ कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का डेजिग्नेशन चेंज होता है, एसोसिएट से आप लोग बन जाते हो एनालिस्ट, तो यहाँ पे आप लोगों का अलग से इंक्रीमेंट होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे वो कुछ पे करते हैं, आप लोगों की सैलरी हो जाती है 44,000 की। उसके बाद में आप लोगों का फिर से आप लोगों को वेरिएबल पे मिलता है जो कि आप लोगों का डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे, आपके मैनेजर पे। ओके, जो आपका 21 मंथ के बाद में आपका जो डेजिग्नेशन चेंज होता है वो आपके मैनेजर पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे आप लोगों को वो फिक्स रहता है कि 44,000 के अराउंड आप लोगों को मिलता है। उसके बाद में आफ्टर 2 ईयर के बाद में आप लोगों का इंक्रीमेंट होता है जो कि आप लोगों को नियर अबाउट 45,000 मिलता है। तो ये था अपने एसेंचर के बारे में, जैसे ही आप एज अ फ्रेशर एसेंचर में ज्वाइन करते हो उसके बाद में कितना हाइक होता है, ये सब चीज़ें अपन ने इस वीडियो में कवर की है, मैंने आप लोगों को एज अ प्रूफ के साथ में बताया हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।